फाइनली पहुंच गए टॉप में और देखिए लेक का व्यू कितना शानदार, कितना बेहतरीन आ रहा है, मजा आ गया। और रोड काफी भयानक थी दोस्तों, बहुत काफी डर लगा। एक बार तो हमें बैक जाना पड़ा, काफी मौसम बनानी गाड़ी का। मेरी जैकेट, हाँ जैकेट निकाल लो, ठीक है। और एक गाड़ी उतर गई, अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर पैदल। उनकी सिस्टर भी हमें मिल गई है यहाँ पे, लग रहा कि इनको भी गाड़ी इसी गाड़ी में आना था। तो सब रेडी हो गए हैं, और वो भीमताल का लेक है सामने, पूरा दिख रहा होगा आपको, और नीचे पैराग्लाइडिंग हो रही है, और सामने है हमारा नौकुचिया लेक। तो चलिए शादी में चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। खुश रहना, खुशियाँ बांटना। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है, अभी कम से कम 12:15 हुआ है, और आज हमारे स्टाफ में शादी है, तो हमारा छोटा सा ग्रुप है, हम सब लोग शादी में जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पैदल रास्ता है दोस्तों हमारे रिजॉर्ट से होते हुए, और गाँव में 5-6 किलोमीटर दूर है, तो हम गाड़ी से ही जाएंगे। सामने हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है, तो सबसे मिलते हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। अभी गाड़ी बुक करी हम लोगों ने, तो 2-3 घंटा हम लोग वहाँ जाएंगे। जो निमंत्रण है उनका वो भी हो जाएगा, कुछ खाना पीना खा के आएंगे, और शाम को फिर मुझे ड्यूटी करनी है। तो दोस्तों ये मेरा पूरा रिजॉर्ट का ग्रुप है, शेफ और सर्विस का। तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ जाके मिलते हैं आप सब लोगों से। दोस्तों हमें जाना है ऊपर जो पहाड़ी है उसके पीछे, पहाड़ी के पीछे जाएंगे। बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके पीछे पता नहीं कैसा होगा। और ये ऊपर टॉप से लेक का व्यू कुछ इस तरीके से आता है। ये पूरा लेक है नौकुचिया ताल का, बहुत ही बेहतरीन। बोटिंग हुई है सामने, ये देखिए। और ये पूरा स्टाफ एकदम फुल मस्ती में है, और ये तो छुट्टी में है, और शाम को मुझे तो ड्यूटी करनी है दोस्तों। तो मैं फाइनली थोड़ा सा मिल के आऊँगा अपने शेफ से, और उसके बाद से शाम को मिलेंगे। हिमांशु है, ये आफ्टरनून, और वेरी गुड। आज हम शादी में जा रहे हैं, और आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। गुड गुड हिमांशु, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। तो दोस्तों होटल वालों की लाइफ ऐसी है, देखिए निमंत्रण के लिए भी हमें जाना है, और शाम को ड्यूटी की भी टेंशन है। और फाइनली ज़्यादा इन्जॉय तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे वहाँ पर, सबसे मिलेंगे, और मिलने का व्यू भी शेयर करूँगा अगर मुझे मौका मिला। थोड़ा सा खाना पीना कुछ जो होगा वो खाएंगे, और फिर शाम को हमें ड्यूटी करनी है। वो किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि आज हमारे होटल में ऑक्यूपेंसी कम है, 10 या 15 कमरे होंगे, तो नाइट शिफ्ट में मैं रहूँगा, मेरा सीनियर सेफ रहेंगे, तो 15 कमरे तो हम लोग ऐसे बाएँ हाथ से खिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये लड़का है, इसके साथ में इसके सीनियर भी हैं, तो थोड़ा 10-15 मिनट पैदल चल के हम आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी अभी आ रही है, गाड़ी अभी आई नहीं, तब तक पैदल ही चल रहे हैं। थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया पैदल नहीं चले हुए। और सामने ये हनुमान मंदिर है, आपको दिखाते हैं, आपका दिखाते हैं, चलिए। ये रहा हमारा मेन पॉइंट, ये सामने लेक रिजॉर्ट का बोट लगा हुआ है, यहाँ से आगे को जाते हैं, ऊपर को कुछ कमरे हैं, ये गाँव को रोड कट जाती है ऊपर, यहाँ को बाइकिंग वगैरह वगैरह जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, मैं यहीं से ऊपर हो गया हुआ था, और स्टाफ फुल मस्ती में जा रहा नीचे को, और काफ़ी अच्छा है। और यहीं पे इसके बगल में क्लब महिंद्रा का जो है होटल है, और क्लब महिंद्रा के बाद से परिचय का होटल आता है जो गवर्नमेंट का है, उसके बाद से हमारा आता है लेक रिजॉर्ट नौकुचिया ताल में। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, सबसे बेहतरीन लेक, बेहतरीन फूड, आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हैं। तो आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग रहेगा दोस्तों, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे सपोर्ट करना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये महिंद्रा क्लब है क्या? हाँ, ये महिंद्रा, और ये रहा क्लब महिंद्रा, ये पूरी प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा की, ये उसका मेन एंट्रेंस, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन व्यू, और सामने से हनुमान मंदिर आने वाला है, तो चलिए उसके दर्शन भी करते हैं। और ये हनुमान मंदिर के लिए मेन रोड, थोड़ी सी दूरी में हनुमान मंदिर है, और ये लेक हिल का रेस्तरो है शायद यहाँ पर, एक्चुअली मैं भी आया नहीं हूँ यहाँ, अगर कभी मौका मिलेगा तो इसका व्यू भी शेयर कराऊँगा आपके साथ में। ये सामने कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं, और बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की, हनुमान मंदिर की, तो चलिए देखते हैं कैसा है हनुमान मंदिर। तो ये रहा दोस्तों हनुमान मंदिर, और काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, और सामने मंदिर को जाने के लिए रास्ता है। तो ये छोटी सी मार्केट है नौकुचिया ताल की, और ये मंदिर है सामने। अभी तो मैंने शूज़ पहने, मैं जा नहीं पाऊँगा दोस्तों। और सामने पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, वो देखिए किस तरह के स्टैंड कर रहे हैं, आराम से शूज़ खोलने पड़ेंगे ना, अभी इतना टाइम है नहीं। और ये कुछ रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं नए नए, छोटी सी मार्केट है यहाँ पर। और ये हमारे सुंदर शेफ हैं, इंडियन CDP, चाइनीज CDP, ऑलराउंडर, तो और स्टाफ भी आ रहा है।
के शेर के मुंह से पानी, ये देखिए, अरे बाप रे ये क्या हो गया। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी गाड़ी तो आई नहीं है और मुझे दुकान में भैया ने जो है ये विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत दिया, आंवला। मेरे गांव में भी होता था बट बहुत साल हो गए गांव नहीं गए हुए, तो आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ आंवला। और इसको खाने से क्या होता है, आप इसको खाएंगे उसके बाद पानी पियेंगे तो मीठा मीठा लगेगा। तो चलिए मैं इसे इंजॉय कर लेता हूँ। ये नैनीताल पहुंचने वाले हैं दोस्तों, हम लोग गाड़ी फाइनली मिल गई है। ये लेक लेक हिल का है होटल। कौन सा ताल? नैनीताल। ये अपना स्टाफ सब लगा हुआ है फोन में। लेने चलते हैं दुकान में और कुछ मिठाई ले लेते हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों हम लोग ने मिक्स मिठाई पैक करवा ली आधा आधा किलो। ये राहुल, इसको आपने देखा ही मेरी वीडियो में, चलिए पैक करवाते हैं उसके बाद मिलते हैं शादी में। दोस्तों अभी वैरायटी स्वीट्स में, और ये काफ़ी पुराना है यहाँ का और काफ़ी अच्छा चलता है इसका पूरा लुक। गांव का नाम क्या है वहाँ? गांव का नाम तो दोस्तों हम लोग मेहरा गांव ना, हम लोग रवाना हो गए हैं वहाँ गांव शादी में जाने के लिए। गांव का नाम क्या है? फाइनली पहुंच गया टॉप में और देखिए लेक का व्यू कितना शानदार, कितना बेहतरीन आ रहा है, मज़ा आ गया। और रोड काफ़ी भयानक थी दोस्तों, बहुत काफ़ी डर लगा। एक बार तो हमें बैक जाना पड़ा, काफ़ी मौसम बनानी गाड़ी का। मेरी जैकेट, हाँ जैकेट निकाल लो, ठीक है। और एक गाड़ी उतर गई, अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर पैदल। उनकी सिस्टर भी हमें मिल गई है यहाँ पर, लग रहा कि इनको भी गाड़ी इसी गाड़ी में आना था। तो सब रेडी हो गए हैं और वो भीमताल का लेक है सामने, पूरा दिख रहा होगा आपको। और नीचे पैराग्लाइडिंग हो रही है और सामने है हमारा नौकुचिया लेक। तो चलिए शादी में चलते हैं। दीदी भी सामने आई थी इनके साथ में, तो ये सामान का बोझा है वो भी लेके आ रहे हैं। ऊपर देखो कंधे में रख लिया उसने। Hi guys. और नीचे को रास्ता काफ़ी खतरनाक है, बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। मुझे बहुत टाइम हो गया पैदल। मेरा बचपन से ही काफ़ी हेल्पिंग नेचर रहा है, तो दीदी आई हुई थी, सामान बहुत था उनके पास, तो इतना बड़ा कट्टा है इसके अंदर शादी का सामान है, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं भी झोला ले जा रहा हूँ, देखो बहुत भारी हो रहा है, बहुत सामान है दोस्तों। चलिए शादी में मिलते, काफ़ी लोडेड है दोस्तों। फाइनली बड़ी मुश्किल से पहुँच गए शादी के घर में। उधर सामने पीली कुर्ता पहना हुआ उसमें हमारे सीनियर शेफ, और ये है हमारे दोस्त मित्र। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये हमारे अंदर अब हम पहुंच गए हैं जहां शादी हो रही है, बहुत मुश्किलों के बाद। और हम आपको पूरी शादी एंटरटेन करवाएंगे। या और मुझे लग रहा है कि आपको भी मजा आएगा सबको। और फीडबैक आप जरूर देंगे, ये हमें उम्मीद है। थैंक यू अंदर, थैंक यू। तो ये रहा दोस्तों शादी का घर, ये सारे मेहमान हैं। और उधर सामने डीजे की तैयारी हो रही है। दोस्तों बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग शादी में पहुंच गए हैं। और ये देखिए बगीचा छोटा सा बनाया है, सामने बड़े वाले नींबू हैं और ये ऑरेंज है, नारंगी। ये देखिए पूरा कितना बढ़िया मस्त बना रखा है, वाह।
तो दोस्तों ये देखो राहुल बनाना चाउमीन, ये यहाँ भी पीछा नहीं छूटा दोस्तों खाना बनाने से, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। चलिए हाँ स्टाफ है अपना तो करना पड़ेगा, मुँह पे लगाते हैं दोस्तों। चलिए मैं लगाता हूँ मुँह पे। तो दोस्तों ये हमारे सीनियर शेफ, इनको यहाँ भी खाना बनाने से पीछा नहीं छूटा, तो यहाँ भी चाउमीन बना रहे हैं कढ़ाई में भर के। यहाँ तो घर का स्टाइल में होटल में अलग होता है, तो ये हमारा पूरा स्टाफ है इसलिए हम लोग सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और इधर खाना बन रहा है, क्या बन रहा है इधर खाना, बहुत बेहतरीन खाना। ये हमारे कानपुर वाले मोनू भैया हैं, ये पूरा उनका स्टाफ। वेरी गुड, गर्मा गर्म जलेबी बनाओ। ये देखो ये सारा मोनू का, ये मेरा साला सामने। तो ये हमारा राकेश, ये बहुत बढ़िया गाते भी हैं और हारमोनियम भी बजाते हैं, तो शाम की पार्टी इनकी रहेगी यहाँ पे। और बढ़िया, ये भी हमारा स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन में है। तो चलो इसको रखे और हेलो दोस्तों, लंच का टाइम हो गया। क्या हो गया? ये इसकी भी लो, इसकी भी लो। इसकी भी लो। ये देखो अभी बज रहे हैं 3:30, 3:30 बज रहे हैं, लंच कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। फाइनली आधी चढ़ाई पार कर ली है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। मेरे को भरोसा नहीं है, कम से कम वो तो वहाँ ऊपर को पहुंच जाएगा। पूरी खड़ी चढ़ाई है और हमने गाड़ी बुलाई है। अगर देखो यहाँ तक गाड़ी आती है तो, लेकिन मौसम काफी अच्छा है, बढ़िया पूरा पहाड़ देखिए, कहाँ कहाँ लोग बसे हुए हैं उस पहाड़ी में, इधर और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है लोकल के, वही यहाँ आ सकते हैं। तो फाइनली सब कुछ अच्छा रहा, इन्जॉय हो गया, बहुत टाइम से इन्जॉय नहीं किया था, सालों हो गए इन्जॉय नहीं करे हुए, तो ठीक लगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अपनी होटल की तरफ, वहाँ जाके ड्यूटी भी करनी है, शाम का भी देखना है सब कुछ। क्यों मामू? तो फाइनली बारात में हम लोग खाना पीना खा के अब घर को जा रहे हैं, और आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।